हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आप सभी को मेरी और हमारे पल पल के परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली। तो दीपावली इस बार जैसे कोरोना वायरस के चलते, कोरोना काल के चलते, हम सभी ने इस बार ग्रीन दीपावली मनानी है। किसी ने भी ना ही तो चाइनीज लड़ियां वगैरह लगानी है और ना ही किसी ने पटाखे बजाने हैं। वैसे सरकार की तरफ से 2 घंटे पटाखे बजाने की परमिशन मिली है, लेकिन हमने हमारी सेफ्टी अपने आप करनी है। कम से कम हो सके तो पटाखे ना बजाएं, चाइनीज लड़ियां ना लगाएं और पटाखे भी चाइनीज न चलाएं। और जो दिए हैं हाथ के बने, मिट्टी के बने, अर्थन पॉट्स होते हैं जो, वो ही दिए जलाएं दीपावली के पर्व पर। और दीपावली के पर्व पर हमने जो यह खुशियों का त्यौहार है, आपस में मिलजुल कर, भेदभाव मिटाकर सभी ने यह खुशी का पर्व मनाना है। और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी यह त्यौहार मनाने का मौका मिलना चाहिए। उनको हमने जैसे स्वीट्स देकर या कुछ टॉयज वगैरह देकर ताकि उनकी भी दीपावली मनाई जाए, तो इससे मतलब खुशियां और भी बढ़ती हैं, हमारी दीपावली की खुशियां और भी दुगनी हो जाती हैं। जैसे कि हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या स्वीट्स देते हैं, तो उसकी जगह पर हम किसी को मतलब ग्रीन प्लांट वगैरह देकर भी इस बार दीपावली मना सकते हैं। तो जो अर्थन पॉट्स हैं वो ही जलाएं इस बार, ना कि चाइनीज लड़ियां। तो मेरा बेटा हर बार घर पर ही दिए डेकोरेट करता है। ये देखिए, उसने अपने आप ये दिए डेकोरेट किए हैं। तो आइए उससे जानते हैं कि उसने ये किस तरह से डेकोरेट किए हैं दिए, क्या किया है इस पर उसने। तो आइए चिरायु से मिलते हैं। मैं बताता हूँ मैंने इन्हें कैसे डेकोरेट किया और पेंट किया। पहले ये मैंने पेंटिंग कलर्स लिए, ये ओपन ऐसे करके या ब्रश पे लगाकर ये सारे पेंट किए। उसके बाद ये मेरे पास कुछ स्टोन्स थे, इन्हें मैंने अलग अलग कर कर इनके ऊपर लगाया और ये ऐसे बहुत सुंदर बन गए। और मेरी मम्मा हर बार मेरे द्वारा डेकोरेट किए हुए दिए ही जलाते हैं। और सारों ने इस बार ग्रीन दिवाली मनानी है, पटाखे नहीं चलाने और दिए चलाकर ही दिवाली मनानी है। हैप्पी दिवाली।